ये है गांव आनंदपुरा। यहां की आबादी 2000 के लगभग होगी। इनका नाम है रामलाल। ये संपूर्ण साक्षरता केंद्र में सुपरवाइजर हैं। पिछले साल यहां 4 साक्षरता केंद्र चलाए गए, जिसमें मर्दों और औरतों ने खूब चाव से हिस्सा लिया और पढ़ाई के महत्व को जाना। लेकिन जब सेंटर बंद हो जाते हैं तो जो कुछ भी इन्होंने सीखा होता है वो भूल सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उत्तर साक्षरता केंद्र शुरू किए गए हैं। अरिया, आज देर से आने की कौन सी नई कहानी सुनाओगे? क्या बात हो रही है, आज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हो। जी हाँ, आज मेरा मन बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? सरकार इंदिरा आवास योजना के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को रहने की मुफ्त सुविधा देती है, इसलिए मैं ग्राम पंचायत में गया था, उन्होंने आवेदन पत्र दिया ही नहीं। ओ, ये तो बहुत बुरी बात है भाई। ये तो इस गाँव में रोज ही होता है, मन खराब करने से कुछ नहीं होता। एक दिन पंचायत में मैं भी गया था, जब मैंने मुफ्त सरकारी प्रशिक्षण की जानकारी लेनी चाही तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो क्या सरपंच के ऊपर कोई नहीं है जो हमारी बात सुन सके? भाई हम किताबों में पढ़ते हैं, सरकार तो गरीबों के लिए है, उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। भाई वो तो सब ठीक है, सरकार अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही है, लेकिन लो सुपरवाइजर साहब आ गए, आओ इन्हीं से पूछते हैं। क्या बात है भाई, क्या पूछना है आप लोगों को? आज हरिया इंदिरा आवास योजना के लिए आवेदन पत्र लेने ग्राम पंचायत के दफ्तर में गया था, लेकिन वहाँ किसी ने इनकी बात ही नहीं सुनी। आज हम जानना चाहते हैं कि पंचायत के ऊपर कौन लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। ये समस्या हरिया और रामू की ही नहीं बल्कि आप सब लोगों की है। किसी की लोन की, किसी की मकान की, या फिर किसी की जायदाद की। पंचायत ये सारा काम नहीं कर सकती, क्योंकि पंचायत के ऊपर भी कुछ लोग हैं। पंचायत तो केवल प्रतिनिधि मात्र है, जो उसको कहा जाता है वही करती है। क्यों ना एक काम करें, कल मुझे साक्षरता एरिया कमेटी की मीटिंग में जाना है, पास ही वीडियो का ऑफिस भी है, क्यों ना वहाँ चल के उन्हीं से पूछें कि उनका विभाग क्या काम करता है और हमारी मदद किस तरह से कर सकता है। ठीक है। तो बताओ कल मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैं चलूंगा आपके साथ, क्या रामू भैया तुम नहीं चलोगे? मैंने तो कल काम पर जाना था। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा। तो ठीक है, कल तुम दोनों मुझे बस अड्डे पर मिल जाओ, ठीक है? 8 बजे वाली बस से निकल लेंगे। ठीक है, ठीक है, चल।
वीडियो साहब, हम लोग आपसे इंदिरा आवास योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। इंदिरा आवास योजना में सरकार द्वारा निःशुल्क आवास सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही दी जाती है। यदि मकान कॉलोनी के रूप में बनाए जाते हैं तो आपको बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बायोगैस की व्यवस्था, ये भी सरकार के द्वारा की जाती है। आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि इस संबंध में आपको कोई परेशानी हो तो पंचायत समिति, जिला परिषद या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारियों से बात करके आप अपनी समस्या का हल खोज सकते हैं। वीडियो साहब, अगर वो इंदिरा आवास योजना वाला फॉर्म हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मेरे पास है, आपको देखिए। थैंक्स। ये लीजिए फॉर्म। धन्यवाद। नमस्कार। ट्रायसम योजना के तहत प्रत्येक युवा और युवती किसी एक विशेष कार्य में ट्रेनिंग प्राप्त करता है, चाहे वो कसीदा का काम हो, चाहे वो गलीचा बुनने का काम हो, चाहे मोटर वाइंडिंग का काम हो, चाहे हैंडपंप की मरम्मत से संबंधित काम हो। देखा ये जाता है कि उस व्यक्ति की रुचि क्या है, अथवा वह व्यक्ति पहले से अपने परिवार में दादा परदादा के टाइम से किस चीज़ की जानकारी हासिल करता है। यह कार्य प्रशिक्षण का 3 महीने से लेकर प्राय 6 महीने तक होता है। ट्रेनिंग के दौरान हम उन्हें कच्चा माल देते हैं, वो निःशुल्क दिया जाता है, ताकि वो उस कच्चे माल के माध्यम से खुद बनाकर देखें ताकि क्या नई चीज़ें मिलती हैं। फिर हम उनको प्रशिक्षित मानकर एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र देते हैं, फिर उनसे ऋण का आवेदन पत्र भरवाते हैं। विभिन्न जो संस्थाएं हैं ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को, युवा युवतियों को फिर ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण उपलब्ध होने के बाद फिर उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय आगे करने का एक अवसर मिलता है। तो ये हमारी योजना है। इस योजना के बारे में यदि आप और विस्तार से जानना चाहें तो या तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जा सकते हैं, या पंचायत समितियों को पूछ सकते हैं, अथवा देश का कोई भी बैंक, विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक, वहाँ आप जाएं, किस तरह से ऋण आवेदन भरे जाते हैं, कितना किस ब्याज पर उन्हें ऋण मिलता है, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से उपलब्ध हो सकती है। बैंक ट्रायसम योजना में 10,000 तक का लोन देते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को अनुदान की राशि 50%, लघु कृषक को 25% एवं सीमांत कृषक को 33.5% है। इस योजना के आवेदन पत्र ग्राम सचिव एवं ग्राम सेवकों के द्वारा पंचायत के द्वारा आयोजित शिविर जो होते हैं उनमें भरवा कर हमें प्रेषित पंचायत द्वारा कर दिए जाते हैं। उन आवेदन पत्रों को हम देख कर आपको लोन दे देते हैं। अनुदान की राशि चूँकि पंचायत सीधे हमें भिजवा देती हैं तो इसमें आपको कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ठीक है सर। अब पता चला कौन सा विभाग क्या काम करता है। हरिया भैया, जब इतनी सारी बातें गांव वालों को बताएंगे ना तो सबके सब उछलने लगेंगे। सुनो, इस तरह से बात बताओगे तो किसी के समझ में नहीं आएगी। ये जो तुमने लिखा है ना वहाँ पर, ये जो तुमने लिखा है इसको दोबारा पढ़ो, समझो और फिर लिखो, इससे उनको समझाने में आसानी होगी। और हाँ, एक चार्ट भी बनाओ जिसके अंदर ये बताओ कि कौन सा विभाग क्या काम करता है। आओ।
भाइयों, सुपरवाइजर साहब, हरिया और मैं कल बीडीओ के दफ्तर में गए थे और वहाँ कई अधिकारियों से मिले। वहाँ जाने से बहुत सी जानकारी हुई। हम लोग ये जानना चाहते थे कि सरपंच के ऊपर कौन हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको इस चार्ट से समझाता हूँ। तो ये देखिए, यह है ग्राम पंचायतें, इसके ऊपर है पंचायत समितियाँ जिसका मुखिया प्रधान होता है। पंचायत समितियों में भी विकास अधिकारी काम करते हैं। तो ऊपर देखिए, यह है जिला परिषद जिसका प्रधान जिला प्रमुख कहलाता है। तो ये सब अधिकारी हैं जो विकास के लिए काम करते हैं। सरकार ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर कुछ योजनाएं बनाती है। ये योजनाएं जिला परिषद, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बनाई जाती हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए ये दोनों विभाग पंचायत समितियों को भेज देते हैं। पंचायत समितियों उसको ग्राम पंचायत में और पंचायत आखिरी में सरपंच और ग्राम सेवक की मदद से इन योजनाओं को ग्रामवासियों को यानी हम तक पहुंचा देते हैं। भाइयों, यह देखो, मैं इंदिरा आवास योजना आवेदन पत्र ले आया हूं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हां भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा है। तो यूं काम तो हो ही गया। साथ में यूं देखो, हमें इतनी सारी जानकारी मिली है। जैसे अभी रामू भैया ने बताया था, सरकार ने हर महकमे में विकास अधिकारी नियुक्त किए हैं, जैसे कि कृषि अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, उद्योग अधिकारी और बहुत से। हम अपनी परेशानी में सीधे बीडीओ के दफ्तर में न जाकर अगर इन अधिकारियों से मिलें तब भी हमारी परेशानियां जल्दी दूर हो सकेंगी और जो भी सरकार की नई स्कीम होगी हमें इनसे पता चलती रहेंगी। यह सब केवल हमारी मदद तभी कर सकते हैं जब हम सब आपस में बैठकर अपनी समस्याएं एक दूसरे को बताएं और उस पर विचार करें। हाँ, इंदिरा आवास योजना क्या बताया था इंदिरा आवास? सुपरवाइजर साहब आप ही बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ। अब इंदिरा आवास योजना को ही लो। इस योजना में अगर अनुसूचित जाति के लोग मिल करके एक कॉलोनी के रूप में बनाते हैं तो उन्हें सरकारी मदद के साथ साथ नाली निर्माण, पानी, बिजली और बायोगैस और इस तरह की सुविधा सरकार से मिलेगी। अब तो हमने सब ने मिलकर कॉलोनी के लिए आवेदन पत्र दे देना चाहिए। भाई, तब तो हमारा गांव भी दिल्ली जैसी रौनक हो जाएगी। रामू और हरिया एक बात को लेकर देखो कितना परेशान थे। सेंटर में चर्चा की, बीडीओ साहब के दफ्तर गए, तब जाके इन्हें सब बातों का पता चला। इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और अब ये इन लोगों के अंदर जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ जो कुछ सुना समझा उसको कितनी खूबसूरती से इन लोगों के सामने पेश किया और ये तभी संभव हुआ जब वे स्वयं बीडीओ साहब के दफ्तर गए। अब वो समझ चुके हैं कि अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है, न कि उन पर निर्भर रहना चाहिए। अगर साथ मिलकर चलें तो मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इकट्ठे मिलकर बात करना और उस पर कार्रवाई करना, यही पोस्ट लिटरेसी सेंटर का आधार है। Thank you.